आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा स्क्वीज इन हो जाएं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बाहर वेट कर रहे हैं बैठने के लिए. सो एवरीबडी कैन अकोमोडेट हियर इफ यू कैन स्क्वीज इन अ बिट. थैंक यू. मैं आप लोगों से एक और अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे लगा दें तो ये शाम का हम आनंद और अच्छा ले पाएंगे. इफ़ यू कैन पुट योर फ़ोन ऑन साइलेंट मोड प्लीज़. नमस्ते एवरीवन, आप सबका हार्दिक स्वागत है. मानली जी जस्ट आ रही हैं, एक बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर सब कोई बैठ जाए अच्छे से तो फिर वो आएंगी एंड वी कैन गिव हर स्टैंडिंग ओवेशन एज वेल. वी आर लकी टू हैव हर हियर. तो अभी जस्ट किसी भी मिनट आ जाएंगी, अगर हम लोग अच्छे से बैठ जाएं देन सी विल बी हियर एंड वी कैन स्टार्ट द प्रोग्राम. सो सबसे विनम्र निवेदन है कि जहाँ सीट मिलती है प्लीज़ बैठ जाइए. धन्यवाद. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. तालियां बजती रहनी चाहिए. नमस्कार आप सभी लोगों का. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन. यूपीसीए यूके और नेहरू सेंटर की तरफ से मैं निष्ठा द्विवेदी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. आप सभी का स्वागत है आज की इस रंग भरी सुरमई शाम में. आप सब तैयार हैं आज के लिए? एक बार जोरदार तालियों से जरा मुझे बताइए कि आप सब रेडी हैं. चलिए कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक दो पंक्तियां मैं बोलूंगी. गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा और जो बरसों बाद भी याद रह जाएगा वो होगा इस हसीन शाम का कोई रोशन सा लम्हा. सो आप सबसे गुजारिश है कि इस हसीन शाम के रोशन से लम्हे को मैं चाहती हूँ आप सब अपने साथ लेके जाएं. तो आप लोग अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे कर दें, प्लीज अपनी जगह से ना उठें जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है एंड हम सभी मिलके इस शाम का आनंद ले सकते हैं. चलिए आज के प्रोग्राम का आयोजन यूपीसीए यूके और नेहरू सेंटर की तरफ से किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश कम्युनिटी एसोसिएशन, जिसको हम यूपीसीए यूके के नाम से भी जानते हैं, वो एक हमारा छोटा सा प्रयास है जिसमें हम यूपी के सभी परिवारों को प्रयास करते हैं कि यूपी के जितने भी परिवार हैं यहाँ पे यूके में उनको साथ लाने का, उनको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को वो आगे की पीढ़ियों तक दे पाए. यूपीसीए यूके एक छोटा सा उस चीज़ का प्रयास है. और हमारा यूपीसीए जब भी समय समय पर साथ आता है, फिर वो चाहे कोविड जैसा हमारा मुश्किल समय हो या फिर होली दिवाली जैसे हमारे सेलिब्रेशंस हो, यूपीसीए यूके हमेशा सारी फैमिलीज साथ आके एक टीम की तरह काम करती हैं. जोरदार तालियां एक बार हमारे लिए यूपीसीए यूके के लिए. और अभी जब हम यहाँ पर अपने इंडिया से मीलों दूर हैं, जब हमारे प्रांत का, हमारे देश का कोई यहाँ पर आता है और अपनी मिट्टी की खुशबू लाता है, वो जो हमारा एहसास है जो हम फील करते हैं जब हमारे वहाँ से कोई आता है,
वो एक अलग एहसास है, जैसा कि आज हमें फील हो रहा होगा, आप सबको हो रहा होगा कि मालिनी जी हमारे बीच में आई हैं इंडिया से। मुझे पता है कि जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा आप लोग फील कर रहे होंगे कि जो लोकगीत आप लोगों ने अपने इंडिया में सुने थे वो आज आप यहाँ पे खुद सुन पाएंगे, अपनी आंखों से देख पाएंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे बीच में है पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, जो हमारे भारत के लोक संगीत को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा रही हैं। उनके प्रयासों की वजह से आज लोकगीत पूरे विश्व में जाना जाता है। एक बार प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिए मालिनी अवस्थी जी के लिए। चलिए अब मैं स्वागत करना चाहूंगी लोक रंग की अनूठी गायिका मालिनी अवस्थी जी का, और मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी श्री वीरेंद्र मिश्रा जी को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूपीसीए के, एंड अश्विनी श्रीवास्तव, जनरल सेक्रेटरी यूपीसीए। कृपया आप आकर मालिनी अवस्थी जी का स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं अनुरोध करती हूँ मनोज मिश्रा जी से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यूपीसीए के, एंड राजेश विश्वकर्मा जी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यूपीसीए, कि वो आके अमीश त्रिपाठी जी का स्वागत करें। अमीश त्रिपाठी जी वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, अ फेमस ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ नेहरू सेंटर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अमीश त्रिपाठी जी। जोरदार तालियां। अब मैं अमीश सर से अनुरोध करूंगी कि अगर वो यहां पर आए अपने विचार व्यक्त करें और फिर इस प्रोग्राम का शुभारंभ करें। थैंक यू सर। नमस्ते। व्हाट एन ऑनर टू हैव ऑल ऑफ यू कम हियर फॉर दिस प्रोग्राम एट द नेहरू सेंटर। आई एम डिलाइटेड टू बी वन ऑफ द पीपल हु कॉल्स मालिनी जी मालिनी दीदी। She is like my elder sister, and अगर किसी छोटे भाई को ये honor मिले कि वो दीदी को host कर पाए, तो there's nothing better than that. Thank you so much for coming out here. There's a lovely mahavakya that comes in the Indian tradition, Shastrat Rudir Baliyasi, that folk traditions are more important, more powerful than even the Shastras at times. There are times in our tradition where the elite has forgotten our culture, but it's the masses who've kept it alive. The folk traditions have kept so many of our stories alive. And what has happened very sadly over the last century and post-independence also sadly, that many of our folk traditions did not get the respect and attention that they deserved. And which is why someone like Malini Didi, Padma Shri Malini Didi, has done such wonderful work bringing national and international attention on the folk music and folk dances of the state that even I am from Uttar Pradesh. And she's done pioneering work, which is always the most difficult and hardest to do. And only those who know her personally know the struggles that she went through to bring all these art forms out on the national and international stage. Thank you so much, Malini Didi, for all that you've done for UP, for India, and more importantly, for Indian civilization. Thank you. Now for her fine magic performance. चलिए अब जोरदार तालियों से शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम का। सॉरी, बिफोर आई बिगिन आई शुड से
Manali Didi is actually a little unwell. Frankly, even I am very unwell. You can make out from my voice. I have a bad cough and cold, as is Manali Didi. But such is her commitment to her performance and art. There's a cup of warm water out there. And she's been nursing herself all day so that she can perform now. That shows her commitment to her art. Loud round of applause. In fact, standing ovation for her commitment. Thank you. Thank you. मैं चाहती हूँ बहुत आदर और सम्मान के साथ आप आमंत्रित करें तबले पर बनारस के गौरव और आपके यूके के तो बहुत चिरपरिचित आदरणीय चेहरा कलाकार पंडित संजू सहाय जी, हारमोनियम पर आपके अपने वरिष्ठ विश्व प्रकाश जी, और आज ढोलक पे और पर्कशन पे सैंडी मैन। हम लोग कल ही हंस रहे थे इस बात पर कि कई बार इम्प्रॉम्प्टू मंच पे जाना पड़ता है कलाकारों के साथ, और कई बार तैयारी करके जाते हैं, लेकिन ये वाकई हम लोग यहाँ पहली बार ऐसे बैठ रहे हैं एक साथ, कोई रियाज नहीं हुआ, कोई साथ में बैठे नहीं है। सबसे पहले तो मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करना चाहती हूँ नेहरू सेंटर का बहुत ही उत्साही विश्व प्रसिद्ध रचनाकार लेखक हमारे प्रिय अनुज अमीश जी का, उनकी धर्मपत्नी जी का, और पूरे नेहरू सेंटर का जिन्होंने मुझे बुलाया है, बहुत प्यार से आमंत्रित किया है, और उससे भी अधिक आप सबका कि आपने भरपूर संख्या में आ करके ये बता दिया कि यहाँ पर शायद मेरी प्रतीक्षा थी लंदन में। मैं 11 साल बाद यहाँ गाने आई हूँ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि हर जगह जाना रहा, लेकिन यहाँ पर किसी ने बुलाया भी नहीं, कुछ अवसर मौका मिला नहीं, और अवसर हुआ नहीं, ऐसा संयोग नहीं बना। इसलिए मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सबके बीच में मेरे प्रिय मौसम सावन के महीने में आप सबके सामने हूँ, और सावन के महीने में भारत की मिट्टी में हमारे उत्तर प्रदेश की जो रौनक है वो आप सब जानते हैं। बाबा विश्वनाथ जी का प्रिय महीना है सावन, और सावन यानी कि पूरे वर्ष भर की एक नई शुरुआत, नए बीज बोए जाएंगे, नए संस्कार, नई खेती, और जहाँ हरियाली हो तो उससे संगीत की उत्पत्ति। समय कम है, मैं चाहती हूँ कि 11 साल बाद आएँ तो 11 चीज़ें तो सुनाऊँ, और लोक संगीत को तो समेटना बड़ा मुश्किल है, 11 चीज़ों में भी नहीं समझ सकते, संगीत को ही नहीं समेट सकते। मैं प्रयास करूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को सुनाऊँ, कुछ आप लोग की फरमाइशें हों तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और पूरी ना हो फरमाइशें तो ये तो और अच्छा है, ताकि दोबारा बुलाने का एक मौका बना रहे। आप सबका पुनः पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, और अपने गुरुओं को स्मरण करते हुए, आपसे आज्ञा लेते हुए, आप लोगों को भी प्रणाम करते हुए आज्ञा चाहती हूँ कार्यक्रम प्रारंभ करने के। ये वैसे ठीक है, कैन दिस ऑल्सो बी यूज फॉर वोकल, तो थोड़ी देर बाद इसको यूज करूँगी, इसको ऑफ कर दे फॉर नाउ, यही रख दीजिए।
जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बनारस घराने की दीक्षा ली हुई है और परंपरा अनुसार एक ठुमरी से कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हूँ, फिर दादरे पे चलेंगे और फिर सोहर बन्ना कजरी सब सुनाएंगे। Up.
आ जा, अब के सवन कर आ
कर दीजिए, इसको हटा दो, ये इसको इस पे तानपुरे पे लेटने ऑन कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, ऑन है। इसकी वॉइस बैलेंसिंग देख लीजिएगा भैया, थोड़ा इसका जो भी गेन रिवर्ब बढ़ सकता हो। माइक यदि हो एक्स्ट्रा तो इधर दे दीजिए, तानपुरे पे हल्का सा भरा हुआ जाए। हाँ, इसे भी ऑन कर दीजिएगा हल्का तानपुरे के लिए। दिस आई नीड दिस माइक, या बेटर, थैंक यू। आपके सामने एक दादरा प्रस्तुत कर रही हूँ कजरी अंग का। बैठ जाए, सब व्यवस्थित हो जाए, मैं तो गदगद हूं सबको देख करके, लेकिन धीरे
बनारस का जो रंग है ठुमरी और दादरा का, ये माइक बंद कर दिया था क्या भैया आपने? प्लीज़ इसको ऑन रखें, साउंड में मेरी मदद कर दे थोड़ी। तानपुरा अब आया, गाने के बीच मत बंद करें प्लीज़। समबड़ी टेल मी इन इंग्लिश, एज यू नो आई एम देहाती, अंग्रेजी नहीं आती। बनारस में गुनीजनों ने पूरब की प्रचलित जितने भी लोक रंग है उसको और परिष्कृत किया, राग रागनी में ढाला, निखारा और ऐसा ऐसा बरता और ऐसा ऐसा लोगों के सामने पेश किया है। दादरों को आप देखें तो वो लोक धुनों का, लोक गीतों का विस्तार है, लेकिन विस्तार गायकी के हिसाब से। जैसे मैं आज आपको उदाहरण में एक दो चीज़ें सुनाती हूँ, और शाम बहुत लंबी ना, मुझे पता है बड़े नियम से आप लोग शुरू कर देते हैं, अब नियम से ख़त्म भी करेंगे तो भाई अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ें सुनाने की मर्जी, यहाँ पर ऐसे अच्छे अच्छे लोग सुनने वाले हैं। जैसे जमुनिया के डार में अरे तोड़ लाई राजा, जमुनिया के डार में तोड़ लाई राजा, जमुनिया की डार में तोड़ लाई राजा, जमुनिया की डार में तोड़, जमुनिया के डार में तोड़
ही पतैया गही पतिया के पीड़ा मंगायो में पीड़ा मंगायो मंगायो पीड़ा मंगायो बगही पतिया के पीड़ा मंगायो अरे पीड़ा के रचई रब से गंगा पार हो पीड़ा के रचैया बस गंगा पार हो बस जमुना पार हो ओ मोरे राजा जमुनिया की डार में तोड़े लाई राजा जमुनिया की डार में तोड़े लाई राजा जमुनिया की डार में तोड़े लाई राजा तोड़ लाई राजा अब ये देखिए ये लोक रंग की चीज है पूरी पूरी सोने की थरिया में जौना परे उसे अब आवाज अच्छी आ रही ये कुछ उधर होता है अब अकेले ये जब सब बंद हो जाते हैं तब आवाज ऐसे ही भैया आवाज बना के रखी मैं मॉनिटर में सुनाई दे सोने की थारी में जौना परोसा जौना को जिमने वाला गंगा पार जमुना पार बसा है यानी कि दोनों नदियों को पार करके बसा है भूगोल पहले का ऐसे ही चलता था आज आप देख रहे हैं टीवी पे कि नदी नाले भर पूरा जलाप्लावित है तो पहले समझ सकते हैं कि अब सावन के समय जब जाने का मार्ग ही जल मार्ग था नावें चलने लगती थी तो जो गया वो जब पार उतरेगा जब जल उतरेगा तो कार्तिक में तभी आ पाएगा चार मास निकल जाते थे आषाढ़ सावन भादो कुआर तभी वो वापस आएगा तो जो चला गया झाझर गेड़ुआ और भी इसमें बिन चुन कलियन सेज बिछाए सैजैया के सुवैया बसे गंगा पार हो बसे जमुना पार हो ऐसे ये लोक रंग में चीज लेकिन जैसे आभूषण सजाते हैं रागदारी से सजा दिया तो चीज वैसी हो गई ऐसी एक और लोक रंग की चीज जिसे बड़ी बड़े गुणीजनों लोगों ने गाया है आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कंकर मोरा है कंकर